तो जी हम्बन टोटा में टोटे टोटे हो गया बैटिंग ऑर्डर, टोटे टोटे हो गया। वाह क्या हो गया। हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी का तूफान आया, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को बहुत बुरी तरह से हराया। अरे आपने पेस देखी है आज इनकी, अग्रेशन पूरा पेस में अग्रेशन दिख रहा है। हारिस रऊफ की एवरेज पेस 90 माइल्स पर आवर है। कितनी? 90 माइल्स पर आवर। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अल्ताफ, टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान ने जैसे ही अफगानिस्तान की टीम को थ्रैश किया है, अफगानिस्तान की बैटिंग को थ्रैश किया है, उसके बाद इंडियन मीडिया के ऊपर क्या रद्द अमल आ रहा है, पाकिस्तान की बॉलिंग को लेकर इंडियन मीडिया के ऊपर किस तरह का खौफ तारी है। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा, बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाली है, आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए और पहली दफा हमारे चैनल पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो जनाब जैसा कि आप जानते हैं कि पहले ओडीआई मैच के अंदर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को जो है बिल्कुल ही नाकाम कर दिया है, थ्रेश करके रख दिया है। हालांकि जब पाकिस्तान ने बैटिंग की और 201 रन बनाए, तो उस वक्त लग रहा था कि अफगानिस्तान की टीम शायद के ये मैच जीत जाए, लेकिन अफगानिस्तान को यह पता नहीं था कि पाकिस्तान के पास दुनिया का सबसे बेस्ट बॉलिंग अटैक है। इंडियन मीडिया के ऊपर जब पाकिस्तान ने 201 रन का टारगेट दिया, तो तब यह बातें हो रही थी कि शायद अफगानिस्तान पाकिस्तान को हरा दे, पाकिस्तान की जो एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए तैयारियां हैं वो दरी की दरी रह जाएं। लेकिन उसके बाद जो है पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स का शो शुरू हुआ, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ का शो शुरू हुआ, और अफगानिस्तान की बैटिंग को तिनके की तरह उड़ाकर रख दिया। बगैर किसी इंतजार के इंडियन मीडिया के क्लिप्स दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और क्लिप दिखाना पसंद करूंगा जो एशिया कप 2022 के अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान T20 मैच हुआ था, और नसीम शाह ने आखिरी दो बालों के ऊपर दो छक्के लगाकर पाकिस्तान को शानदार जीत दिलवाई थी। उस वक्त इंडियन मीडिया का एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, शायद कि आप याद होगा, कॉमन अफगानिस्तान। ये वो वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। पहले आप इस वीडियो को देखें, फिर आपको इंडियन मीडिया का कल वाले मैच यानी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो पहला ओडीआई मैच हुआ है, उसके हवाले से रिएक्शन दिखाएंगे, पाकिस्तानी बॉलर्स का खौफ जो है इंडियन मीडिया के ऊपर किस तरह से तारी है, आज की वीडियो में मैं आपको सब दिखाने वाला हूं। सबसे पहले जो है आप वो कमन अफगानिस्तान वाली वीडियो देखें, उसके बाद जो है हम आपको आगे की वीडियो दिखाएंगे। कुछ भी निकाल दो। और एक विकेट। तो जनाब ये तब का रिएक्शन है जब 2022 के एशिया कप में पाकिस्तान ने एक हारा हुआ मैच अफगानिस्तान से जीता था, तो तब इस भाई ने कहा था कम ऑन अफगानिस्तान, और इस तरह की सेलिब्रेशन की थी। लेकिन उसके बाद इनको मुंह की खानी पड़ी थी, क्योंकि नसीम शाह ने जो है दो छक्के लगाकर पाकिस्तान को मैच जितवा दिया था। अब बगैर किसी इंतजार के सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि जब पाकिस्तान ने 201 रन बनाए थे, तब इंडियन मीडिया के ऊपर क्या बातें हो रही थी, किस तरह का रिएक्शन आ रहा था। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि जब पाकिस्तान के बॉलर्स ने जो है अफगानिस्तान को थ्रैश कर दिया, हारिस रऊफ ने 5 विकेटें ली, शाहीन शाह अफरीदी ने 2 विकेटें ली, तो उस वक्त इंडियन मीडिया के ऊपर क्या बातें हो रही थी, किस तरह का खौफ पाया जाता था। सबसे पहले पाकिस्तान के टारगेट के बाद जो इंडिया का रिएक्शन है वो देखें, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि मैच के बाद जो रिएक्शन आया इंडियन मीडिया की जानिब से, वो क्लिप्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले इसको देखें। तो जी हम्बन टोटा में टोटे टोटे हो गया बैटिंग ऑर्डर, टोटे टोटे हो गया। वाह क्या हो गया, क्योंकि 201 के निजी स्कोर पर पाकिस्तान की टीम ऑल आउट हो गई है। मात्र आपके लिए टॉप ऑर्डर में मामूलक चलते हैं। बाबर को देखिए बड़ी बड़ी बातें कि भाई वी वांट टू डोमिनेट एवरी गेम, श्रीलंका इज माई सेकेंड होम। मुजीब ने बोला कि भाईजान तुम्हारे घर में आके मारेगी हम तुम्हें, पहले मतलब कि 3 बॉलों में LBW हो गया भाई मेरा। बाबर भी फेल, फकर भी फेल, इमाम ने 50 मार दिए, रिजवान को देख लो जल्दीबाजी में, इंतकार को देख लो, मतलब इंतकार थोड़ा संभाल गए, थोड़ा बहुत थोड़ी देर यार, 201 रन। मिडिल ऑर्डर तो आज 201 रन, मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हुआ ना, सारे खिलाड़ी स्पिन के अगेंस्ट एक्सपोज हो गए, क्योंकि आप देखो ना, प्लीज आप देखिए, आप जिम्बाब्वे जिम्बावर जिम्बू ना करें आप प्लीज। अफगानिस्तान ने T20 हराया, तब इनका क्या बहाना था कि जी हमारे मेन प्लेयर नहीं थे, ये खेल रहे मेन प्लेयर, यही बहाना था ना कि हमारे मेन प्लेयर नहीं है भाई। आज बाबर द ग्रेट बाबर द ग्रेट आजम खेले हैं, बार भी आजम यार गलत बात आप सब डालते हैं, बोल ही रहे।
तो जनाब ये रिएक्शन था इंडियन मीडिया का जब पाकिस्तान ने 201 रन का टारगेट दिया था। उस वक्त इंडियन मीडिया को भी लग रहा था कि शायद पाकिस्तान ये मैच हार जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने 201 रन का एक छोटा सा टारगेट दिया था। लेकिन शायद कि अफगानिस्तान को भी, इंडियन मीडिया को भी पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग का अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान के पास एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन ऐसे बॉलर्स हैं जो कि लगातार 140 प्लस की बॉलिंग कर सकते हैं। और वही हुआ, हारिस रऊफ ने 5 खिलाड़ियों को आउट करके अफगानिस्तान और इंडियन मीडिया को बिल्कुल हैरान कर दिया, शॉक्ड कर दिया। जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की टीम को 59 रन पर जो है ऑल आउट करके 142 रन से यह पहला ओडीआई मैच जीत लिया, तो उसके बाद इंडियन मीडिया के ऊपर पाकिस्तानी बॉलर्स को लेकर किस तरह का रिएक्शन है, यह आप इस वीडियो में देखें। हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी का तूफान आया, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को बहुत बुरी तरह से हराया। अरे आपने पेस देखी है आज इनकी, अग्रेशन पूरा पेस में अग्रेशन दिख रहा है। हारिस रऊफ की एवरेज पेस 90 माइल्स पर आवर है। कितनी? 90 माइल्स पर आवर। आप 80 भी करा लो ना अगर, तो बड़ी बात हो जाती है। 85 तक हमारे भी कराते हैं, बुमराह करा लेते हैं, सिराज डाल लेते हैं, बट 90 माइल्स पर आवर 5 ओवर 6 ओवर लगातार करना और पेस ना गिरना, ये है दहशत। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी को देखिए, आप पहला ओवर अगर आप जाके देखेंगे ना, उसने बिल्कुल वही गेंदें डाली हैं जो आपको दिक्कत देती है। इसमें मुझे बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। बॉल पूरी ऊपर, फुल लेंथ डिलीवरीज, यॉर्कर लेंथ थी, सीधी पैर पे आती हुई, सीधी पैर पे आती हुई राइट हैंड बैटर के लिए, बिटवीन द विकेट्स, प्रॉपर। वो अच्छा खेल गया गुरबाज, उसको अच्छा खेल गया, गिर भी रहा है, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, कर कुरा के बच गया। बट अल्टीमेटली हारिस ने, हारिस की लाइन लेंथ, नसीम की लाइन लेंथ, हारिस की पेस के, आप उमरान मलिक की अभी हम बात कर रहे थे, मेरा फेवरेट उमरान मलिक भाई, बड़े दिनों के बाद ऐसा बॉलर आया है जो पेस से पटकता है बॉल, वही बात है भाई लाइन और लेंथ। जो शोएब अख्तर ने मुझे बताई थी दोहा में कि भाई आपकी पेस में अग्रेशन तो है, बट असली पेस बॉलर की अग्रेशन होती है लाइन और लेंथ में। लेंथ में आपकी गुस्सा दिखाना है ना, अपना जज्बा दिखाना है, अपना पैशन दिखाना है, जोश दिखाना है, तो वो लेंथ में दिखाओ। छोटी बॉल पटक के कोई नहीं होता। नीतीश राणा जी ने मार दिया था उमरान मलिक जी को 30 रन से ज्यादा, वो बैकफुट पे खड़ा हुआ है, वो छोटी बॉल ही पटके जा रहा है। ये छोटी बॉल नहीं पटक रही, ये सिर्फ बैटर को मारने की कोशिश नहीं कर रही है, विकेट लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई अब शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, जो आज इन्होंने बॉलिंग करी है, ये पूरी तरीके से तैयार हैं आपके लिए। कोई भी गलतफहमी मत रह पालना आप। और आज जो मैंने बॉलिंग देखी है, अगर मैं दिल पे हाथ रख के बताऊं, शुभमन गिल ने अभी इनके साथ में खेला नहीं है, मैं चाहता हूं शुभमन बहुत बढ़िया खेले, राइट, ले देकर अगर रोहित शर्मा को मैं बाहर रखूं, अगर मैं शुभमन गिल को बाहर रखूं, ओवरऑल पाकिस्तान की इस बॉलिंग और इंडिया की जीत के बीच, मतलब पाकिस्तान की जीत, इंडिया की जीत, यहां पर बीच में एक ही आदमी खड़ा होता है जिसका नाम है विराट कोहली। इन तीन को अगर कोई ढंग से हैंडल जिसने पिछले थोड़े टाइम में करा है कंसिस्टेंटली, उसका नाम है विराट कोहली। शादाब 6 मैच खेल चुका है विराट कोहली के सामने, एक बार आउट नहीं करा। हारिस रऊफ 4 मैच खेल चुका है विराट कोहली के सामने, एक बार आउट नहीं करा। नसीम 3 मैच खेल चुका है विराट कोहली के सामने, एक बार आउट नहीं करा। पर शाहीन ने एक बार आउट करा है 50 रन बनाने के बाद, वो मैं काउंट नहीं कर रहा, वो 50 मारने के बाद आपने आउट कर दिया और डेथ ओवर्स में, वो यूएई वाले वर्ल्ड कप में कुछ नहीं। बट नसीम, इन अगर सब में से देखो ना, जो इनका सबसे छोटा बॉलर है मतलब उम्र में, नसीम ने एशिया कप में आउट कर लिया था ऑलमोस्ट, कैच छूट गई स्लिप में। बाकी रोहित शर्मा को हारिस रऊफ 3 मैच में 2 बार आउट कर चुका है। आज हम जो इतने दिन से मैं आपको बैटिंग इंडिया की और बॉलिंग पाकिस्तान की कंपैरिजन सुना रहा हूं, वो हवा में नहीं सुना रहा हूं, उसका कोई मतलब है। और आज ये प्रूफ मिल रहा है आपको कि ये तगड़े आ रहे हैं बॉस, ये पूरी रिदम में आ रहे हैं। जैसे बाबर आजम ने कल कहा था, बाबर ने बिल्कुल कहा है कि हमारे बॉलर्स लीग खेल रहे थे, T20 लीग खेल रहे थे, मगर तैयारी एशिया कप वर्ल्ड कप की कर रहे थे, नेट्स में 10-10 9-9 ओवर डाल रहे थे। आपके बॉलर कौन है मुझे बताओ जो 10 ओवर डाल ले, 5 ओवर लगातार डाल ले और इतनी पेस मेंटेन कर ले? कोई नहीं, शायद सिराज आप खेल सकते हो, उसके अलावा जो 5 ओवर लगातार डाले और 90 माइल्स पर आवर से उसकी पेस नीचे ना आए, कोई है ऐसा? हारिस रऊफ वो आदमी है जो 132-36 था मेरे ख्याल पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप फाइनल में बटलर को आउट कर गया था। वहां पे नसीम शाह की बॉलिंग देख लो, वहां शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग देख लो, ये
ट्रंप कार्ड पाकिस्तान का हमेशा से उनकी बॉलिंग रही है, शाहीन की शॉर्ट बॉल, नहीं तो नसीम की शॉर्ट बॉल, नहीं तो हारिस जो सबसे तेज हारिस 145 माइल्स मतलब 145 किलोमीटर पर आवर, 90 माइल्स पर आवर एवरेज, उसके बाद नसीम 142 किलोमीटर पर आवर एवरेज, उसके बाद शाहीन 140 किलोमीटर पर आवर एवरेज। और भाई जो ये बॉलिंग कैपेबल है करने के लिए, जैसा कि हमने बिल्कुल भी रूल आउट नहीं करा था कि पाकिस्तान के बॉलर्स ये मैच निकालते कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, और वैसे ही हुआ है। इवेंचुअली 59 पर आपने पैक कर दिया, जो अफगानिस्तान की बैटिंग बांग्लादेश के अगेंस्ट आग उगल रही थी, बाकी टीमों को टक्कर दे रही थी, श्रीलंका के बॉलर्स की पिटाई कर रही थी, उनको हवा भी नहीं आने दी हारिस रौफ की 150 किलोमीटर रफ्तार से, और डेफिनेटली वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंसेस आई हैव सीन। मतलब आप देखते हो कि मतलब कोई बहुत बड़े मैच का प्रेशर नहीं है, इवेंचुअली बस आपको अपनी बॉलिंग का वो आप कह सकते हैं ना एक एक कैलिबर दिखाना था, और ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, वार्निंग है इंडिया को, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान कि भाई बैटिंग का चाहे फेलियर रहा हो, हमारी बॉलिंग उतनी काबिलियत रखती है कि हम 100 हो 150 हो, हम अपनी बॉलिंग को इतना बैक करते हैं कि हम डिफेंड कर पाए वो टोटल। इनक्रेडिबल, आपने जो ये फायरी स्पेल देखा है, अफगानिस्तान का टॉप ऑर्डर ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था सहमा हुआ था, शाहीन अफरीदी फुल टॉस पे विकेट ले रहे हैं, इनक्रेडिबल। मतलब मुझे समझ नहीं आया कि अफगानिस्तान वर स्केयर्ड, जैसे हमने बात करी थी वो इंटिमिडेटेड उनकी बैटिंग से नहीं थे, जहां पर बाबर आजम, फखर जमान, इमाम उलग, रिजवान इफ्तिकार ऐसे ऐसे बल्लेबाज हैं, आपने 200 रन पर पैक कर दी पाकिस्तान की एक टॉप क्वालिटी बैटिंग लाइनअप को, लेकिन हारिस रौफ एट इज एम्पीरियस बेस्ट भाई, पेस से बीट करना सब कॉन्टिनेंट विकटों पर, हारिस रौफ जैसी क्लास ये कर सकती है, दे वर लिटरली एज इफ दे वर शिवरिंग फेसिंग हारिस रौफ। कहीं ये साइंस बाकी टीमों के लिए तो ना होंगे, कहीं ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा साइन तो नहीं है कि आपको शाहीन और हारिस रौफ को फेस करना है। अफगानिस्तान ने बहुत डिसअपॉइंट करा, दे वर रियली ऑर्डिनरी टुडे, आपने जो फाइट दिखाई अपनी बॉलिंग में सारी चीजें करके दिखाई है, बट ये बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी था, एंड लिटरली आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वहां पर हथियार डाल देगी अफगानिस्तान की टीम, बट जेन्युइनली यार इस कैलिबर की पेस के साथ व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, देयर वाज नो लेवल, मतलब आप मैच ही नहीं कर सकते थे जिस पेस पर वहां पर ऑपरेट कर रहे थे हारिस रौफ, इट वाज मैजिकल, लिटरली मैजिकल। आई एम स्केयर्ड नाउ, 200 रन, मैं ये कह रहा हूं कि ये कोई एशिया कप का वर्ल्ड कप का मैच नहीं है, बट डेफिनेटली व्हेन यू सी कि यार ये टीम अगर 150-200 रन पर, मतलब आपको पता है कि किस तरीके से अटैक करती है, तो आपको नहीं पता कि इस टीम को आप कितने पर बंडल आउट करो आपके लिए सेफ होगा। पाकिस्तान की इस बॉलिंग यूनिट ने इंग्लैंड को 130-140 क्या रन थे 2022 वर्ल्ड कप फाइनल में, बेन स्टोक्स को वहां पर बिल्कुल ही आप कह सकते हैं कॉशियस होकर खेलना पड़ा, एंड तक खेलना पड़ा, तब जाकर वो चीज हुआ। यू आर नेवर सेफ विद दिस टीम भाई, इनक्रेडिबल बॉलिंग स्पेल, मैंने ये बॉलिंग स्पेल नहीं देखा है जो हारिस से आज देखा है। एक्चुअली क्या है कि जब आपको पता होता है ना कि आपकी ओपोजिशन आपसे डर रही है तो आप और ज्यादा आग उगलते हो, दे वर लिटरली ब्रीदिंग फायर, हारिस रौफ, शाहीन अफरीदी आते हैं भाई, इब्राहिम जादरान, रहमत शाह, आपने श्रीलंका, बांग्लादेश सबकी पिटाई कर दोगे, लेकिन दिस इज पाकिस्तान बॉलिंग एट इट्स रियल बेस्ट। वो पेस से जब आपको दिखता है ना शुरुआत में, जब आपने पहला ही बॉल देखा जो शॉर्ट बॉल से आउट करा शाहीन अफरीदी ने, वो पेस को आप इतने इजीली पुल नहीं मार सकते, हुक नहीं मार सकते, तभी आपको एक रियलिटी चेक मिला, और उसके बाद तो भाई देयर वाज नो लुकिंग बैक। शाहीन ने दो विकेटें शुरुआत में ली, देन नसीम का एक बॉल बड़ा प्यारा था, वो बहुत बहुत जबरदस्त बॉल था, और उसके बाद तो इट वॉज ऑल हारिस रौफ। हारिस रौफ की क्वालिटी यही है कि हिट द डेक बॉलर, 155 केस हिट द डेक, नो मैटर आपके सरफेस पे कुछ आपको सी मूवमेंट है नहीं है, वो आपको स्किड से, राशिद खान को हवा भी नहीं लगी भाई, इट वॉज इन टू द गेट बिफोर ही न्यू, मतलब आपको पता ही नहीं चला डंडी में कब घुस गई बॉल, एक्सेप्शनल भाई एक्सेप्शनल, एंड दिस इज द रीजन वाई हम पाकिस्तान की बॉलिंग को इतना हाईली रेट करते हैं। मैं आई एम नॉट श्योर, देखिए इतना कन्विंसिंगली दुनिया के आप बेस्ट बॉलिंग लाइनअप्स को देखेगा, कोई और टीम भी जीत सकती है मैचेस, लेकिन थ्रैश टू लिटरली थ्रैश अफगानिस्तान आफ्टर गेटिंग बोल्ड आउट फॉर 200, दिस इज पाकिस्तान क्रिकेट एट इट्स बेस्ट, और इसीलिए पाकिस्तान की क्रिकेट का आपको नहीं पता, वन मिनट दे आर डाउन एंड सेकेंड मिनट भाई आपको लग रहा है तो चैंपियन टीम खेल रही है पाकिस्तान। एक ओनली चीज जो तुम पाकिस्तान क्रिकेट के लिए प्रेडिक्ट कर सकते हो कि वो अनप्रिडिक्टेबल है, यही चीज आप उनके लिए प्रेडिक्ट कर सकते हो,
कि भाई आपको नहीं पता कि एक मिनट पहले आपको 30-40 दिख रहे हैं, आपको टीम 150-200 पे पैक लग रही है, आपको लग रहा है क्या है ये टीम, इसके बारे में ऐसी बात हो रही है। सेकंड मोमेंट आप जब अपनी टीवी की स्क्रीन देख रहे हो, आप अपनी आंख 2-3 बार मलते हो, 59 फॉर ऑल आउट अफगानिस्तान के, अभी तो रहमानुल्लाह गुरबाज 100 मार रहे थे बांग्लादेश के वर्सेस, अभी तो इब्राहिम ज़ादरान रहमत शाह 100 मार रहे थे वहां पर श्रीलंका के वर्सेस। दिस इज पाकिस्तान क्रिकेट, दिस इज पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग भाई। शाहीन अफरीदी, नसीम शाह को जरूरत ही नहीं पड़ी, शाहीन और हारिस नहीं कर दिया, शाहीन ने 2 विकेट लेके कह दिया ले भाई अब तुम करो। अब यह थी हमारी आज की वीडियो, आपने देखा कि किस तरह से वर्ल्ड कप और एशिया कप से पहले पाकिस्तानी बॉलर्स का खौफ जो है वो दुश्मनों के ऊपर तारी है, खास तौर पर इंडिया वाले बहुत ज्यादा परेशान है पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग को लेकर के, जिस तरह से पाकिस्तान के बॉलर्स जो है बहुत जबरदस्त और तेज बॉलिंग कर रहे हैं, तो इंडियन मीडिया काफी परेशान है। यह थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। क्रिकेट से रिलेटेड कोई भी नई ताजा अपडेट हासिल करने के लिए हमारे चैनल स्पोर्ट्स जोन 88 को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही अपने होस्ट मोहम्मद अल्ताफ सियाल को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।